बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर विधानसभा में नाराज हो गए, वहीं अब उनके मंत्री समीर महासेठ ने इसे लेकर बेतुका बयान दिया है। एक खेल कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जब महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ से लोगों की मौत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, खेल कूद से पावर बढ़ाओ, जहरीली शराब बर्दाश्त कर लोगे। आप खुद ही सुनिए। देखा जाए तो जिम्मेवारी तो एक अलग चीज है, जब मान के चल रहा है कि सरकार के मान के चल रही है कि ऐसे चीजों से दूर रहने की आवश्यकता, और ऐसे ही टाइम में लोग गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं थी कि आप लोग एक लाइन कहेंगे, अपना करें, नव निवेदन करें कि जहर बेचने का जो प्रथा है इसका प्रचार पूरी तरह हो कि बिहार में शराब नहीं आ रहा है, जहर आ रहा है। कृपया लोग पब्लिक न लें, अगर जहर लेकर के अगर मर रहे हैं तो दैट इज ऑल गलत चीज प्रवेश कर रहा है। अब वो पहले से इतना सरकार टाइट हुआ है तो सरकार के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया साथी अगर ये प्रचार कर रहे हैं तो बिहार में केवल जहर आ रहा है पीना छोड़ दें। बता दें कि जहरीली शराब से मौत होने के बाद छपरा में कोहराम मचा हुआ है, अभी भी कई लोग अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।